Point masses M1 and M2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. The rod is said to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of the point B on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by. एक रॉड है आपके पास, रॉड की लेंथ है L, रॉड के एंड्स पे दो मासेस हैं M1 M2, रॉड को किस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से कि जो वर्क डन हो सो दैट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेट द रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम, तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ कि इन दोनों पार्टिकल्स को घुमाने में जो वर्क हो वो जीरो हो. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना. अब इनिशियली ये तो जीरो इसकी वेलोसिटी थी, आपने इसको स्टार्ट करा जीरो एंगुलर वेलोसिटी से, कुछ ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी इसको आपने दी ओमेगा नॉट, ठीक है. तो हमको यहाँ से पता है कि अगर मेरा वर्क मिनिमम होगा तो उसके लिए आई क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब हम इसको रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास से घुमाएंगे. तो वर्क डन विल बी मिनिमम इफ़ द रॉड इज़ रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास से हम इसको रोटेट करें, रॉड को अगर हम सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, जैसे ये पॉइंट अगर मैं सेंटर ऑफ मास मान लूँ, पी मेरा पॉइंट कौन सा हो जाए, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई भी बॉडी घूमती है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मिनिमम होता है. तो क्योंकि आई मिनिमम हो जाता है इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाता है, मिनिमम. सो वर्क विल बी मिनिमम इफ द रॉड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम होता है. तो इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो. इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में ये पूछना चाहता है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास आप इजीली फाइंड कर सकते हो. मैंने आपको पिछली भी कई वीडियोस में ये समझाया है कि सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहाँ पे सभी पार्टिकल्स का नेट मास मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ज़ीरो, है ना. नेट मास मोमेंट फैक्टर ज़ीरो हो जाता है. अब मेरे को क्या करना है, M1 इंटू ये वाली डिस्टेंस, मैं मान लेता हूँ कि M1 से x डिस्टेंस दूर और बची हुई डिस्टेंस M2 से L माइनस x दूर सेंटर ऑफ मास हमको मिलती है. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से x है और यहाँ से L माइनस x डिस्टेंस पे, ठीक है. तो मास मोमेंट कैसे करते हैं, मास इंटू ये वाली डिस्टेंस का वैक्टर, है ना. तो M1x क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये वाली पोजिशन, तो M1 इंटू x, और ये वाली जो पोजीशन है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में ली जाएगी, तो माइनस ऑफ M2 इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है. और नेट मास मोमेंट किसके बराबर होता है, ज़ीरो के. अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, इसको RHS में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं M2 एल माइनस एक्स, तो M2 एल माइनस M2 एक्स, है ना. ये माइनस M2x हम LHS में ले जाते हैं, हो जाएगा M1 प्लस M2 इन टू एक्स, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा M2 L अपॉन M1 प्लस M2. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.